वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं और मेरी जान और एक दूसरा जान है, लेकिन वो जान व्लॉग में नहीं आना चाहती, आना चाहता, सॉरी यार, इट्स ओके। तो हम जा रहे थे पाकिस्तान, तो मैंने आज अपने रूममेट को कहा कि चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी है एग्जैक्टली, जो मेरी यूनिवर्सिटी की जगह है वो न्यू सिटी है साफीदीन। वो इतना मतलब शॉपिंग के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है, है बड़ी सिटी है लेकिन शॉपिंग के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है। तो आज मेरी जान ने मुझे कहा कि चलते हैं भाई शॉपिंग करने के लिए तन्हाई। तो जान ने आज खर्चा किया, तो बैग भी भरा हुआ है, शॉपर भी भरा। आज हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखें कुछ जो चीज़ चाहिए, तो ये देखें बच्चों के शूज़ वगैरह, और इसके अलावा स्लीपर्स चाइना में। ये देखें जो चीज़ भी आपको चाहिए, इतना बड़ा मॉल है जो उधर से आप लें। इसके अलावा ये बैग्स वगैरह, और ये देखें। अच्छा जी, मेरे दोस्त जो हैं लड़कियों वाले सीन में एंटर हो गए। बेदो, तू लड़कियों वाले उसमें क्या कर रहा है? तो मेरे दोस्त जो हैं वही लड़कियों वाले फ्लोर में एंटर हो गए, तो इधर सारे लड़कियों का सामान वगैरह। तो उस लड़की कहती है कि भाई आप नीचे जाओ, आपका सामान नीचे, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? ये चाइना की प्लास्टिक की चप्पलें आ गई, ये देखें, ये पता नहीं कितने की हैं, इधर कीमत लिखी होगी। और उसके अलावा ये शर्ट्स वगैरह आ गई, ये 19 युआन की है, ये 29 युआन की, ये 29 युआन पाकिस्तानी तकरीबन 800-900 रुपए की शर्ट है, और ये 19 युआन की। आए निहाओ निजंदा मा पाकिस्तान नीचे दाओ मा, हाँ रोली नीचे दाओ मा पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ने के लिए आ गए हैं भाई। हमने कुछ शर्टें ली हैं, कुछ पेंटें ली हैं, और कुछ अपने लिए और दूसरे मार्ट से भी ली थी, लेकिन अभी पता चलेगा कि कितने की बनती है। चोरी नहीं कर सकते, ये देखें इसके साथ इस तरह स्कैन कोड लगा होता है। आपने ये जस्ट इधर जब आप इसको टच करेंगे ना, तो ये इधर ऐसे उतरेगा, वैसे मतलब आप वैसे ये इसको लेके बाहर नहीं जा सकते। ये देखें आपने ये इधर लाजमी होता, अगर उधर जाएंगे तो मशीन चीटिंग करेंगी कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये देखें जी, ये इधर आपने इस तरह उतारनी है। चेगा तो शो दो शर्टें आ गई और दो पेंटें आ गई, तो ये भी हिसाब करके बताएगी कितने पैसे हैं। किधर बताए कितने? सोचो हाँ, 286 तकरीबन। ये यार तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? दो शर्टें आ गई और दो पेंटें आ गई, तो ये 287 के आ गए पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपये। तो ये पाकिस्तानी 10,000 की तकरीबन चार चीजें। उसके बाद हमारे वन एंड ओनली मिस्टर शबाब अंदोजी से, ये शर्ट का आप बता रहे थे बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, देखें जरा। तो हम तीनों ने एक सी ली है, ये देखें, ये भी एक सी ली है, और ये देखें हमने भी एक सी ली है जी। मेरा नंबर आ गया, मेरी आ गई शर्टें, ये देखें शर्ट आपने इधर, ये चीज आप बाहर नहीं लेके जा, ये जब आप बाहर लेके जाते हैं तो उधर मशीन लगी होती है वो टी टी करती है, तो आप इसलिए बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ये आ गई जी, मेरी शर्ट आ गई, मेरी सॉरी पैंट आ गई, और एक शर्ट आ गई और एक पैंट आ गई। तो ये टोटल तकरीबन कितने बनाती है अभी दे देखें। दे दो आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तानी 574 तकरीबन पाकिस्तानी 22-23 हज़ार रुपये, 22 मतलब पाकिस्तानी 22-23 हज़ार रुपये में हमने तीन शर्टें और तीन पेंटें लिए। बिल्कुल, ये हलाल रेस्टोरेंट की ये पहचान है, ये देख लें, इस पे ऊपर लिखा हुआ चिंगजन, चिंगजन का मतलब चाइनीज में होता है हलाल, मतलब कि ये हलाल चीज़ें हैं। उसके अलावा ये देखें जी रोटी, ये पाकिस्तानी रोटी, नान वगैरह लोग कहते हैं कि चाइना में नान नहीं मिलते, ये देखें तिल वाले नान, जो नान आपको चाहिए। गगा इगा तो जान, ये 5 रुपये का एक नान है पाकिस्तानी, तकरीबन 250 रुपये का शबाब, और अच्छे का तोशो जान गगा लिखवाई, ये 6 रुपए का और ये 5 रुपए का, मतलब जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं रोटी बहुत महंगी है, 30 रुपए की रोटी है, तो इधर 5 रुपए की पाकिस्तानी तकरीबन 250 रुपए की एक रोटी मिल रही है भाई। तो ये पत्नी क्या चेगा गगा शाह बाउजो, ओ ये बाउजो है चेगा हलाल बाउजो चेगा जीरो नीड़ो याड़ो, अच्छा मतलब कि छोटे गोश्त का वो है बाउजो है। तो चेगा ईगा तो शुचान ये भी 5 का है तकरीबन, तो मतलब है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये प्रॉपरली हलाल होता है, इसके ऊपर जो हलाल लिखा हुआ है तो ये प्रॉपरली हलाल होता है। पूछते हैं कि भाई ये मुसलमान है कि नहीं। गगा निशी मुस्लिम माँ,
ये भाई मुसलमान है जी, प्रॉपर कहते हैं यार इधर बैठ के भाई अभी हिसाब कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं तो अभी हमारे लिए जी उधर टिक्के बन रहे हैं, ये देखो भाई टिक्के बन रहे हैं और हमारा यार इंतजार कर रहा है इधर। ये हमारे गोश्त की सीखें आ गई हैं, ये इसके ऊपर चटनी डालेगा और ये कोयला लाल हो रहा है। ये देखिए सफाई चेक करें, कोई गंदगी कुछ भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। और ये हमारी रोटियां भी आ गई, ये हमारी रोटियां आ गई भाई, ये चेक करें, ये पाकिस्तानी रोटी तकरीबन 5 रुपये की एक रोटी है, तो तकरीबन ये पाकिस्तानी 250 रुपये बनते हैं। ये 5 रोटियाँ आ गई हमारी, और 5 रोटियाँ आ गई और 7 सीखें भी, ये सीखें बनाएगा आपको दिखाता हूँ फिर। हमारे टिक्के भाई स्टार्ट हो गए हैं, ये देखें बहुत वाओ, चेक करें भाई, ये 5 ये और 5 ये तो अभी बन रहे हैं, क्या मज़े के लग रहे हैं। कोयले भी इनके आर्टिफिशियल कोयले होते हैं, ये देखें जी हमारी रोटी भी गर्म हो रही है, गगा हमारी जो रोटी भी गर्म है, जैसे रमा नान बीन रमा पूछ ला रहा बुबू। और टिक्के भी हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं, ये देखें, और इसके अलावा ये रोटी भी तैयार कर दी, बुबू 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 बुबू। ये हमारे लिए ये हमारी सीखें तैयार हो गई हैं और इसके ऊपर ये लगा के चला सर, ये खाना आ गया, ये पाकिस्तानी अचार टिक्के और ये नीचे पिज़्ज़ा बनाया, पता नहीं क्या बनाया, और ये रोटी, और इसके बाद आपसे इसके बाद मिलेंगे। सब्जी से हमारी खानदानी दुश्मनी है। अच्छा, तो वो क्यों? गोश्त चेक करेंगे वो क्यों? ये आपने गोश्त का लिया और ये इधर से आपने अचार ली, ये अचार है, अच्छा कैसा लग रहा है? वाह वेरी गुड यार, चैनल पहली बार इसको टिक्के खाएं, बहुत मज़ेदार, पाकिस्तान की याद आ रही है कि नहीं? बहुत ही जूसी, ये देखिए बहुत ही जूसी, मज़ा आ रही है यार। अभी मैं तो तुम इलाज बंद कर दे, अभी इसको ख़त्म करें फिर मिल जाए। जी सर। अभी भाई हम आ गए हैं चाइना की फूड स्ट्रीट, और ये देखें जी फूड स्ट्रीट, ये देखें इसमें ये जितनी भी चीज़ें आपने बस उठानी है, उठा के आपने फ्राई करके खानी है। इसमें ज़्यादातर सुअर का गोश्त होता है, और ये चाइना की सारी मतलब सुअर मार्केट आप इसको कह सकते हैं, मतलब कि ये हलाल फूड नहीं होती, जो हलाल होगी उसके ऊपर लिखा होता है ये हलाल है। ये देखें ये सुअर का गोश्त है, कीड़े मकोड़े ये देखें, इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये देख कुछ पात है, देखिए वो मुझे जानते हैं, मुझे कहते हैं कि पाकिस्तानी हो तुम, ये देखो कीड़े शीड़े सारा कुछ मिलेंगे, ये देखें, इसके अलावा का ये देखें हर किस्म का कीड़ा, हर किस्म की चीज़ आपको इधर मिलेगी, ये जितने कीड़े शीड़े आपको हैं इधर से मिलेंगे, ये देखें, ये चाइना की फूड स्ट्रीट भाई, और ये देखें, और इसके अलावा ये देखें भाई कीड़े मकोड़े सारा साफ, जो चीज़ें भी आप लोग कहते हैं ना तो वो यहाँ मिलती है, फूड स्ट्रीट में मिलती हैं। जैसे न्यूरो न्यूरो अच्छा ये गोश्त है भाई, जैसे न्यूरो जूड़ो, हाँ ये भाई कह रहा है सुअर का गोश्त है, और ये नीचे जो पड़ा है देखिए सुअर भी एक जगह रखा हुआ है और दूसरा हलाल गोश्त भी एक जगह रखा हुआ है, इसके अलावा ब्रेड वगैरह भी है, और ये देख लें आप, इसके अलावा जितनी भी इधर मतलब खाने की चीज़ें होंगी तो वह मुस्लिम्स के लिए नहीं होती, जो हमारे मुस्लिम्स के लिए होती हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चिंगजन है, और ये चाइना की जी ये देखें, और सफाई का आप ये चीज़ बहुत मानेंगे, ये आज हम आए हुए थे, ये देखें, जब आप थक जाएं शॉपिंग करते करते खा पी के तो फिर सुकून के लिए आपको ऐसी चेयर ढूंढनी चाहिए, तो जब आप शॉपिंग वगैरह करके थक जाएं तो ये चाइना में आ तो फिर आपने इधर आना है उसके लिए मालिश के लिए, अम्मो चाइनीज़ में इसको अम्मो कहते हैं, तो उसके बाद फिर आपको शॉपिंग करने के बाद ये रिलैक्स मिलता है, ये तकरीबन पाकिस्तानी 700-800 रुपये आपसे लेते हैं, लेकिन सही आप जो रिलैक्स करते हैं वही मैं वाला मैं कर रहा था मसाज, तो उधर मेरा दूसरा फ़ोन उधर मुझसे रह गया, तो अभी चेक करते हैं कि फ़ोन उधर पड़ा है कि नहीं, अभी देखते हैं जाके, मैं जा रहा हूँ आगे देखते हैं कि मेरा फ़ोन किसी ने उठाया ना हो,
मैं जहाँ मसाज करवा रहे थे हम, तो उधर से मुझे जेब से फ़ोन गिर गया था, तो अभी जाके देखते हैं कि फ़ोन है कि नहीं। तो इधर मैं बैठा हूँ, ये देखें जी उधर ही पड़ा हुआ है, किसी ने भी नहीं उठाया। ये देखें जी, इसको कहते हैं जिंदा मिसाल। इधर तकरीबन आधे घंटे से मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था, किसी ने देखा भी नहीं है, देखा तक भी नहीं है। तो इसको कहते हैं कौम, इसको कहते हैं इंसाफ। और इसको इतना, हालांकि कितनी रश थी और लोग पास बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं है कि फ़ोन पड़ा हुआ है। तो तब लोग कहते हैं कि चाइना ने इन मुल्कों ने तरक्की किस तरह की, तो इनकी तरक्की का राज ये है। छोटी सी टैक्सी है, इसमें बंदा मुश्किल से चार बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और LCD वगैरह भी लगी हुई है, पुश स्टार्ट है, और इसमें 64, ये देखें अभी चार्ज जो बता रही है तो 64 चार्ज है, 64 के भी। तो अभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ वापस चले गए हैं। हमारी जी आज हम आए थे शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग भी ख़त्म हो गई, उसके बाद हमने खाना भी खाया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी की थोड़ी सी, अपने आप मसाज भी करवाई। और देखते रहे इंशाल्लाह मेरा चैनल, आप सपोर्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह चाइना की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आपके लिए ले कर आता रहूँगा। तो आज मैं जैसे आपको शॉपिंग से एक्सपीरियंस दे रहा था, बहुत से लड़के मुझसे ये पूछते होते हैं कि सर हम कपड़े पाकिस्तान से लेके आएँ कि इधर लेके आएँ। तो इधर एज़ कम्पेयर पाकिस्तान थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये होता है कि इधर क्वालिटी अच्छी होती है, और दूसरा कि मतलब आपको इजी एक्सेस होती है, आपको ऑनलाइन भी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन फिज़िकली ये होता है कि आप देख सकते हो, उसी टाइम देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मतलब वो कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।